ऐसा क्या कर रहा हूँ अंदर भाई? यार मैं डर गया हूँ। हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। तो आज हमको जान शिवा बटी हापुड़ बटी गुड़गांव से, हापुड़ से, हापुड़ से गुड़गांव की ओर। और दोनों साइकिल रेडी है हमारी, यहाँ पे गुरुद्वारा में रुके हुए, यहाँ पे भी हापुड़ में, और साइकिल रेडी होगी हमारी, और भाई साथ की हमारी साइकिल रेडी होगी। तो आज कुछ है यहाँ पे? आज कुछ है क्या? आज कुछ है क्या? नहीं, हम तो मैच पे जा रहे हैं अभी। सभी तैयार ना? सभी एकदम सही पगड़ी पहन के सर पंजाब की ओर। तो आई गेस निकलते हैं आगे को, क्योंकि लेट भी हो रहा है और टाइम भी हमारा ये हो रहा है आजकल, लेट हो रहा है आजकल। 10:30 हो गया ना? 10:30 हो गया। 10:30 हो गया। तो आई गेस मिलते हैं आपको सीधे मेन रोड पे। आशीर्वाद दे दो, कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे दो बस। आप खुश रहो, वाहेगुरु आपको चढ़ती कला बख्शे, जिस यात्रा में आप लगे हुए हो आपको सफलता मिले, और जो कि आप समाज सेवा कर रहे हो परमात्मा आपको चढ़ती कला बख्शे। और आगे भी सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपके साथ और भी भाई मिलें और इस कार्य को करने में आपका साथ दें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी कई आप जो चीज़ें आपने बताई हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से इस कार्य को कर रहे हो और भी भाई सभी पूरा देश भर आपका साथ रहे और साथ दे, और इस चीज़ में लगन से आप काम करो। धन्यवाद। जय श्री राम। सत श्री अकाल। अभी हमें गुरुद्वारा में जहाँ हमने कल स्टे किया था, साइकिल अपनी खड़ी दोनों, और मैं माथा टेक के आ चुका हूँ। राहुल भाई भी माथा टेकने गए अंदर, और हमें जहाँ हम कल आए थे यहाँ के रास्ते, तो आज जाने हमें इधर को पीछे को गुड़गांव की ओर। क्यों तो मिलते हैं आपको आगे। हम निकल चुके थे वहाँ से अभी 10:30 बजे, और अभी हम पहुँचे हैं, थोड़ा आगे चले गए हम, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें रुकना था। तो यहाँ पर छोले कुलचे वाले दिखे हमें कोई, तो छोले कुलचे खाते हैं यहाँ पर से, अभी फिर जाएंगे आगे को। चटपटे दियो एकदम चटपटे चटपटे छोले कुलचे। यार छोले कुलचे बन रहे अभी, और साइकिल हमारी ये खड़ी पीछे। हमें जाना है यहाँ से अभी 90 किलोमीटर अप्रॉक्स मैक्सिमम। तो अभी हमने यहाँ पे अपना 20 किलोमीटर पड़ाव पार कर दिया है सरा जर्सी। यहाँ पे टोल है, टोल को हमने क्रॉस करके यहाँ पे रुके हुए हैं। 20 किलोमीटर पर हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि रेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है, और चलते हैं यार आगे को। अभी रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं अभी यहाँ से गाजियाबाद है। अभी गाजियाबाद कितने किलोमीटर यहाँ से? 79। गाजियाबाद गाजियाबाद है 30 से कमी है, तो चलते हैं। तो आगे सब निकलते हैं यहाँ से, और आगे मैं रास्ते करने अपना, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस सफ़र में, और गर्मी भी है सही है, मतलब आज ट्रैफिक बहुत है भाई इस रूट में यार, क्योंकि दिल्ली तो भाई साहब ट्रैफिक से भरा हुआ है पूरा। यहाँ पे अपने पहाड़ जैसा नहीं है, यहाँ पे पहाड़ में तो सही है यार, अपना घूमते रहो, एक सिंगल रोड है और ट्रैफिक भी कम रहता है। यहाँ तो भाई साहब 24 घंटे बगल से 10 गाड़ियाँ हर सेकंड में निकल रही है, हर सेकंड में 10 गाड़ियाँ, और ऐसे निकल रही है गोली रफ्तार की तरह यार, भयंकर डर भी लग रही है हमें, कहीं उड़ा दिया तो मिलेंगे भी नहीं है हम तो यहाँ। और रात को और डर लग रही है, क्योंकि रात को भी सुनसान रोड है और ट्रैफिक भी है उतना ही रात को भी। तो यार चलते हैं आगे को, मिलते हैं आपको सीधे आगे, दिखाते हैं आगे का व्यू। तो यार निकल को हम ऑलरेडी हागिल हूँ, और मौजूद हो यार वहाँ पर पहाड़ बोल हो यार, ये भी बोल तो, और सही चल मतलब मौजूद हो यार, मज का नहीं मौज
और ब्याह हो जाए हमको पहुँचने में ब्याह तो है जानी भाई यार, अब साइकिल में जानी यार दिक्कत है भाई यार, फुल पीड़ जाना ब्याह का भाई। तू छक्के जी खो भाव रे पी बाद वीडियो ले एडिट करें भाई के करी यार के कारण था बोलो कोई मिलोल ब्याह करी भाई। हम सितू दी ढाई बजे सितू हम यहाँ पड़ी और जानू हम हगिलो मिल लू तुमको हगिलो ठीक थी तो बढ़ियो मिल लू हगिलो हाँ तो हमारे हार्ट गेयर हैं आगे तीन पीछे आठ तो बहुत दिक्कत हो रही है रुकने में एकदम से। ऑटो वाले बहुत दिक्कत करते हैं यहाँ पे आगे आगे ब्रेक मार दे रहे हैं पैसेंजर के मरते मरते बचे हम पैसेंजर के लिए ऐसे कट मारते हैं पीछे वो देखते ही नहीं कि पीछे कोई आ भी रहा करके। तो यार चलते हैं आगे गाजियाबाद में मेन सिटी आने वाली है गाजियाबाद तो वहीं रुकते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि भूख लगती है यार वहाँ बैठी कुछ खाते हैं फिर निकलेंगे अपने मंजिल की ओर। जैसे हम पहुँचने वाले थे गाजियाबाद कुछ 500 मीटर है और यहाँ पीछे देखिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या तो मस्त तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे बस 5 मिनट के रुके मतलब यहाँ पे फोटो तो खींची हमने यहाँ पे। तो अब चलते हैं गाजियाबाद को मिलते हैं आपको वहीं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं मतलब एंटर कर रहे हैं गाजियाबाद में और गाजियाबाद नगर निगम आपका हार्दिक स्वागत करता है धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो यार गाजियाबाद पहुँच चुके हम और राहुल भाई मेरे पीछे हैं राहुल भाई आ रहे हैं पीछे। तो गाजियाबाद हम पहुँच चुके हैं तो आगे रेस्ट करेंगे अब क्योंकि हमने 20 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहे हैं तो अभी अब गाजियाबाद में भी रेस्ट करेंगे हम वहीं रेस्ट करते हैं सीधे। तो यार मिलते हैं आपको आगे। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद से आगे और रुके यहाँ पे सिकंजी भी निकले और आलू चाट लगाते हैं क्योंकि भूख लग रही है ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे और इसके निकलते हैं आगे को। राहुल भाई थक गए नहीं थके? हाँ थक तो गए हैं यार थोड़ा बहुत थक गए हैं बस परेशान से काम चलाना पड़ रहा है अभी बना रहे हमने आलू चाट और क्या बनाई है वो इसके बाद मतलब यार मजा आ गया। हम चल रहे हैं फुटपाथ में नीचे जाके क्या करेंगे यार। अभी रुके हुए हम हाईवे में रेस्ट कर रहे सोचे वहाँ कोई ढाबा डूबा जी तो जहाँ रेस्ट कर सकते हैं हम वहाँ यहाँ मतलब कोई ढाबा हाईवे ढाबा नहीं है रास्ते में तो रेस्ट करने की जगह नहीं मिलती तो हाईवे में रुके हुए भी सामने किला यार नहीं है सामने किला देखी मेरे पीछे क्या मस्त बनाया यार मज़ा आ गया। और हमारे भाई जी का पाँव में पेन हो रहा है इनके और चल रहे हैं हम धीरे धीरे और अभी हमें जाना है 40 किलोमीटर यहाँ से और टाइम हो रहा है अभी 2:46 टाइम हो रहा है अभी तो चलते हैं आगे को यार मिलते हैं आपसे आगे और बने रहिए हमारे वीडियो साथ मिलते हैं आपको। नाम क्या आपका? आदित्य नारायण मिश्रा। तो YouTube पे चेक कर लिया आपने हमारा? जी। अरे आते ही क्या हुआ? देखा था कर लिया। अच्छा कर लिया पहले ही। कितने में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में। होशियार लग रहे हो। तो कहाँ स्कूल कहाँ पे आपका? हरिनगर आश्रम। अच्छा तो यहाँ से कितनी दूर है?
2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर है तो घर आप पे ही है? नहीं, वो काले खाम में। अच्छा, काले खाम है, सराय काले खाम। तो दुकान 24 घंटे खुलती है? गाइस, बच्चे अभी हम मस्जिद मोड़ के पास और दिल्ली में पड़ता है जगह, तो यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले थे अभी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके हमें। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ललित कुमार डागर। ललित कुमार डागर। और आपका? मदन कुमार। मदन कुमार। तो हमें दो बंदे हमें मिले थे, सर लोग मिले थे हमें यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके हमें। तो कुछ कहना चाहोगे सर आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो भाई, कैसे? बस बढ़िया, पहुंच गए आप पटेल नगर? क्या फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन में, और जीडीआर होटल कौन सी जगह बोले आपने? सेक्टर 15 में पहुंच चुके हैं, और हमारा स्वागत किया भाई लोग ने, भाई जी लोग ने हमने। उत्तराखंड के ये अपने ऊपर के, और आप बोले जाएंगे सर? ये अपने भाई लोग हैं, ये अपना प्रिय भाई हेमंत, अपना प्रिय भाई, ये उनके प्रिय भाई, बड़े भाई, सब बड़े भाई हैं, और इन्हें बहुत बढ़िया वेलकम करा है, हमारा जो स्वागत करा है कि अपना सब काम धंधा देखो, इनका उनका हॉस्पिटल है, और सब हॉस्पिटल के सब डॉक्टर्स लोग हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। वी अप्रिशिएट दैट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम है आप लोगों का यहाँ पे। बहुत अच्छी एक आप लोगों ने जो है एक बहुत अच्छी मुहिम यहाँ पे शुरू की हुई है अल्मोड़ा से, जैसा कि आप लोग अल्मोड़ा से गोवा का ट्रिप कर रहे हैं साइकिल से, ये आने वाली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक सीखने को एक बहुत तरीके से हम अच्छे तरीके से लर्निंग कह सकते हैं। आपको देख के वो लोग इंस्पायर होंगे, और आगे को एक जो नशा मुक्ति के खिलाफ आप लोगों ने कर रखा है, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ, और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने कर रखा है, इसके लिए हम आप लोगों के लिए मतलब काफ़ी आभारी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उधर। और बाकी ये हमारे हैं, ये भी डिफेंस डिपार्टमेंट से हैं, और ये हमारे डॉक्टर हैं यहीं पे निगो में, ये हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, तो ये है। बाकी वेलकम है आप लोगों का, थैंक यू। आज का स्टे भाइयों की तरफ से है, फिर हम कल सुबह अच्छा यहाँ से निकल जाएंगे, प्लान तो कुछ ऐसा ही है हमारा, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, वो तो आगे देखते हैं। स्टेडियम यहाँ से लो, यहाँ से। तो यार अब चलते हैं इसके बाद अपने रूम पे, ऊपर होटल है जीडिया होटल ने हमारे बुक किया है, और साइकिल हमारी ये हमारे भाई जी उत्तराखंड वाले चला रहे हैं अभी, और काफ़ी अच्छे लोग हैं हमारे उत्तराखंड के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें सपोर्टेड जो सपोर्ट मिल रहा है हमें यहाँ से उत्तराखंड के लोगों से यहाँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा लगता है कि उत्तराखंड पूरे देश में बहुत बसा हुआ है, काफ़ी सही है। तो यार चलते हैं इसके बाद रूम पे। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो अंदर? भाई यार मैं डर गया हूँ, इतना अटका दिया मुझे साइकिल लेके, अटका दिया भाई लिफ्ट में साइकिल लेके, यार देखो भाई कहाँ के रास्ते आ रहे थे भाई, यार सूर्य ने कुछ ना सबको ले बैठ रहा है, काफी कुछ लगा बैठी भी देर को हम पहुंच चुके थे अपने रूम पे, और अभी नहा धो के बैठ चुके हैं, ये हमारा सामने रूम है 205 नंबर, और काफी सही रूम है यहाँ के, जिसमें धन्नू खड़ी दोनों बाहर, और नीचे उनके आते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू, और कौन सा होटल है, कहाँ पे हम रुके हैं आपको दिखाते हैं। तो हम निकलते हैं नीचे के बाद, देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन सा होटल में हम रुके हैं, आपको दिखाते हैं नीचे आके। तो यार गाइस हम रुके हैं DDR होटल में, ये मेरे पीछे होटल है DDR होटल, और काफ़ी यार
सही है यहाँ पे होटल और रूम काफ़ी अच्छे हैं इसके। और हमारे भाई जी हमारे उत्तराखंड के, इन्होंने हमें सपोर्ट किया है यहाँ पे आके, और तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे कि अपने बंदे मिलते हैं, जब हर जगह मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो यार अब चलते हैं सीधे रूम पे और वीडियो यहीं पे करते हैं एंड यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं सीधे ऊपर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं है, पर जाना तो हमें गोवा ही है, पता ही आपको। मतलब अभी कोई डिसाइड नहीं कौन सा रूट हम अभी लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, और अभी क्योंकि हम अपने रूट मैप से 30-40 किलोमीटर हम आगे हैं अभी, और देखते हैं कल को कौन सा रूट देखते हैं अपना, मतलब कौन से रूट से हम जाएंगे। तो यार मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।